अभी तो बहुत ही नौकरी की ना, 4 साल आप देखिएगा ये जो वर्दी पहने घूम रहे हैं, जो कभी कभी डंडा दिखाते हैं, सरकार के सारे पे चलाते हैं, इनसे पूछिए दिल से, अगर 4 साल की नौकरी हो गई इनकी तो क्या होगा इनका। तो अभी तो फौज हुई, अगला नंबर इनका है। घोसी और गाजीपुर से क्या? अरे क्यों सवाल का जवाब बदल ले? जब मैंने ये कहा कि ये सब बातें छिपाने के लिए, कह रहे डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं, अरे डिप्टी सीएम ये करने जा रहे हैं, ये खाकी वर्दी वालों की नौकरी 4 साल की हो जाएगी। चलो फौज की तो 4 साल की, इनकी 3 साल की होगी और इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, ऐसे ही भगा दिया जाएगा, बोला जाइए घर बैठ ही जाएगा ना। आप देख सकते हैं ये, आप लोग इसका प्रोटोकॉल समझते हैं ना? आप तो देख सकते हैं हेलीपैड का प्रोटोकॉल जानते हैं ना? सर तो भाई नहीं जाएंगे। अरे ये तू तो घटे आगे मत जाइए और चलते जाए। हेलीकॉप्टर पर जो बैठने की बहुत जल्दी हेलीकॉप्टर पर बैठने वाले हैं, सामने आपको तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए कोरोना से जिंदाबाद जिंदाबाद से नारे के बच्चों मेरे हुए सुनाई पड़ रहे हैं। तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो तो वहीं सामने आप तस्वीरों में देख पाएंगे। बहुत जल्दी अब उनका हेलीकॉप्टर वहाँ से जैसे ही वो बैठने की हेलीकॉप्टर अब फ्लाई होने वाला यहाँ से, और कहीं धूल का जो एक अंबार है वो अब दिखाई दे रहा है। जी 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 हवाई जहाज जो है अब ले ऑफ करने वाला है, अब यहीं से उड़ान भरे। खत्म हो गई पनिया हो लिया। अरे अरे चलिए वापस भाई, कैसे बताना पड़ेगा? ये देखिए इतना भीड़ जुड़ा है, सभी लोग को बाहर किया जा रहा है समाधि से, क्योंकि समाधि पे ज़्यादा भीड़ लग जाएगी इसलिए। पुलिस प्रशासन लगी है सबको हटाने में। अरे हम लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, सभी लोगों को बाहर किया जा रहा है, और देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन लगी हुई है सभी लोग देखने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को देखने के लिए भीड़ बेकाबू है सब लोग। मुख्तार अंसारी जी के समाधि पे
श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। भीड़ बेकाबू हो रही है, सभी लोगों को बाहर किया जा रहा है कुछ दूर पे, ताकि वहाँ से लोग देख ले। चलिए भाई चलिए।